नमस्कार, देश विदेश को स्वागत करुछि मु निवेदिता। बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो। आउ नहंती पद्मश्री रजत कर, विशिष्ट साहित्यिक पद्मश्री रजत करंक परलोक। 88 वर्ष बयसरे भुवनेश्वर एक घरे हॉस्पिटल ले देहांत। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति रो से थिले अन्यतम प्रवक्ता। ट्वीट कर शोक प्रकाश कले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्र मंत्री समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति। राष्ट्रीय मर्यादा सह संपन्न हो शेष। भीषण बात्यार रूप नेला अशानी। पुरी ठारु 880 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत, घंटाकु 14 किलोमीटर बेगरे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि बात्या। आईआईएम नागपुर स्थायी कैंपस लोकार्पण। स्थायी कैंपस को लोकार्पण कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उद्घाटनी समारोह रे राष्ट्रपति केन्द्र शिक्षा मंत्री योगदान। निजुक्तिदाता है छात्र छात्री को गुरुमंत्र दे राष्ट्रपति कोविंद। उद्धव को नवनीत को चैलेंज, कहिले निर्वाचन रे हुंतु सामना सामनी। हनुमान चालीसा पढ़ा 14 वर्ष जेल प्रस्तुत। अन्याय अत्याचार विरोध में जारी रही लड़ाई। एवं आजु भक्तों पर खोल बद्रीनाथ धाम। रीतनीति मंत्र जप ध्वनि खोल मंदिर द्वार। भक्तों स्वागत पर मंदिर प्रांगण में फुलरे सुसज्जित तोरण। आरंभ करिबा से दुखद खबर रु। आउ नहांती ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथों तत्वर प्रखर प्रवक्ता पद्मश्री रजत कर 88 वर्ष बयसरे एक घर डाक्तरखान परलोक होइछि। पद्मश्री पाइबा परे रजत कर करितबा ट्वीट ओडिशा और महाप्रभु जगन्नाथों प्रति समर्पण प्रमाण दिए। पद्म पुरस्कार पाई से लिखिथिले कहिबाकु शब्द नहीं, खाली एतिकि कहिबि जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय माँ कलिंग भारती। से समर्पित थिले ओडिया माटी प्रति ओ महाप्रभु श्री जगन्नाथों प्रति। कटक जिलार संस्कृति संपन्न महांगा माटी रे 1934 मसीहा अक्टोबर 2 तारीख रे जन्मग्रहण करिथिले। से 2021 मसीहा रे पाइथिले पद्मश्री सम्मान। जड़े शिक्षाविद भाव में विशेष परिचय। जगन्नाथ संस्कृति भंज साहित्य रे अगाध्य पांडित्य और उज्जयिनी भाषण रेडियो और टीवी रे बांधि रखुला अगणित ओडिशावासी को। महाप्रभु श्रीजगन्नाथों स्नान जात्रु श्रीगुंडीचा बाहुड़ नीलाद्री विजय पर्यंत धारा बरणी श्रोता भावप्रवण कर आखिरे भरीदे लुह। सेपटे राष्ट्रीय मर्यादा सह पद्मश्री रजत करंक शेषकृत्य संपन्न हो सूचना मिली। आज तीन टा बेले आसी स्वर्गत रजत कर एडमिट होते से हठात कम्फर्टेबल फिल कले से पर आडमिट करते बट अनफर्चुनेटली देहांत हो जाए। स्वर्गत कर जन विशिष्ट साहित्य लेखक सहित पद्मश्री उपाधि जीते आज निश्चिंत ओडापी एक अपूरणीय क्षति कहले अत्युक्त होना। तो आज ओडावासियों पर स्मरण हो सदा बड़े रे आज 5:30 बेलू 6 भितर हठात हार्ट आटाक है। देह भल लगुनि, देह भल लगुनि कहले मीट गोटे जबार कटक मुझे आज कहीं जी था आज जाने आम जाठी की प्रायर मीट गोटे थी। तो मुझे तुम थाओ ना मुझी मुझे ना आज जानी था आज कल कौन गंडर फंडर से हबार से मीटिंग रे तेणु आप जाकि कह ना हाँ मत कह यह कही भितर हटात तापर फोन कले ना मो देहटा भल लगुनी छाती कण हो कटक रही थी फोन कली मुझे हूँ गोटे औषध कह ये खाई से बहुत देला पुणी सेठ कले कि ना मत आल लगुनी आउ गोटे औषध कली मुझे जीभ तेल दे भल लगे
ତାପରେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଛାତି ଜୋର କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠୁ ସେ ବୋହୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେ ଖବର ଦେଇଦିଅ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଆପୋଲୋ ମୋ ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଆପୋଲୋ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲେ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତିକି ପୃଥିବୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ହରେଇଲା ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କଳା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଆଜି ପାଇଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏଇ ଏଇ ରଜତ କୁମାରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ମୋ ବଡ଼ବାପା ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଯେତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ବଡ଼ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଆମ ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରାୟ କଥା ସବୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଇଭିନ୍ ମୋ ବାହାଘର ବି ମୋ ବଡ଼ବାପା ଯଦି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ତେବେ ବି ହେବ ବୋଲି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ କଥନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଅତି ମହାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହରେଇବା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଆମେ ଶୋକ ସାଗରରେ ଆଜି ନିମଗ୍ନ ହେଇଯିବେ ଏକାଧାରରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାହା ଅକଥନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହିତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଚରଣ କମଳରେ କୃତକୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମର ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଜତ କରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରଜତ କର ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଗ୍ନିତା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନ କୃତି ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରଜତ କରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ କର ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଜତ କରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷକ ଓ ସୁବକ୍ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଟିଭି ଓ ରେଡିଓରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଭାଷ୍ୟକାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପାଲାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସେହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅନେକ ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଜତକରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିବେଦିତା 99 ବୟସରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗବେଷକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ରଜତ କୁମାର କରଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରଜତ କୁମାର ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ କି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଫିଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ 4-5 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ କି ମୋ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଜୋରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 60 ହେବ ରେଡ଼ିଓ ହେଉ ବା ଟେଲିଭିଜନ ହେଉ ସେଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଭାଷ୍ୟକର ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କିପରି ପ୍ରଚାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଯେପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ 3 ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏହି ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ଏହି ବିୟୋଗଟି ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଶୋକଚାଇ ଖେଳାଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଜତ କରଙ୍କର ନାତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି 4 ଯାଏ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ
कार्यक्रम आमर मे 16 रु 22 भंज जयंती हबार थिला कोरोना पई 3 वर्ष होला हेई पार नथिला नाना बाद विवाद मध्य रे किछि असामाजिक लोक सब गंडगोल करुथिले से सब कथा को से तत्वावधान करुथिले चल चंचल थिले मीटिंग पई सब निमंत्रण पत्र रे दस्तखत करचंदी समस्त सहित कथाबार्ता हेचंदी कार्यकारिणी समिति बैठक नैचंदी सब करिचंदी तापरे खाइकी सोया को जाइचंदी सोया को जीवा आगर आम को कहले कि कटक जा आज आम कंपिटन थी कटक तत्वावधान कर मत प्रति मुहूर्त खबर दियो आम खबर भी दौचु से टाइम हटात छाती जंत्रणा आरंभ है जहाँ औषध थी से औषध देलापर आम पठे मानने इम्प्रूव कलानी आम सांगे सांगे हस्पिटाल नहीं आसलु हस्पिटाल आनलापर हस्पिटाल आईदर ये भितर को ट्रिटमेंट है भितर चिकित डाक्तर मैंने बहुत चेष्टा कर चेष्टा कलापर तर देहांत होजे डाक्तर हिसाब से मुझे जापर कि जेहेतु कौन सी गोटे एभले व्यक्ति 89 एज्रे जो लोक पचारती आपण डाएट कौन आप निश्चित भाव सीझा खाद्य खाऊ जेजे होते शेष लोक जे सीझा खाद्य खाइबे सब जेजेबा चिड़ई कहते तुमको काठ खंडे छाणी देदे भी तुम खाईदेव ये से व्यक्ति तेणु संपूर्ण भाव समर्पित जाति संस्कृति जगन्नाथ गुरु संपूर्ण भाव समर्पित व्यक्ति से अनुभूति सी मोर जेजे मुझे जेजम डाकुली सेटा तो गोटे मोर पारिवारिक रक्त मोर भाग्य मुझे वंश से जन्म नहीं गोटे शिष्य हबार मत सौभाग्य मिली सौभाग्य दिशा निर्देश मत कार्य मिली साहित्य संस्कृति देखी लेखनी सब देखी सबू इवेन काली मत देखे जातेटा 15टा बही रेडीगला जोटा छपा हबार अच्छी गोटे सप्ताह पर आ गए बही छपा हबार थिला सबु कथा आलोचना करिचु तेणु बहुत स्वप्न थिला जाति पाई पद्मश्री पाइगले साहित्य संगीत नाटक एकेडमी सम्मान पाइगले सबु पाइगले किंतु तथापि तांकर इच्छा थिला जाति पाई आउ कोन करि परिबे सबु मुहूर्त आज भी दिन सारा जाति पाई ही बोलुचंदी मुनरे मंडरे केवल संस्कृति जेपर्यंत शिक्षा विभाग थिले शिक्षा विभाग को केमिति सुधारिबे मुझे से बहुत छोट थी कि जन्म हो नी जो से रिटायर कले कि आज पर्यंत जो शिक्षा विभाग जो मैंने सब उपकृत होती जो मैंने सहित कम करे मुझ जाने कि मो जेजेपा केमी एभलिया व्यक्ति जे कि शिक्षा विभाग में सुधार कर आने भारतीय स्तर में ओडिशार शिक्षा विभाग को एत बड़ कर पुरस्कार जितेले दीदी थर एसीआरटी को लेकिन एनसीसी से थिले स्काउट एंड गाइड्स कमिशन थिले एक्स कमिशन कमिश्नर एबे जी अच्छा जस्ट पूर्ववर्ती कमिश्नर से थिले समस्त सौभाग्य मंडन करचंदि किंतु कोटे भी किछ निज पाके रखि नांदि जहाँ पुरस्कार पाइचंदि सबु जाति पई दे दैचंदि जाति रो भलो पई जाति पई सिए शेष मुहूर्त पर्यंत काम करचंदि आ सेइटा ही आमे तांको पाखरु सिखिचु तांको जीवन को आमे एई भाबरे ही मन रखि परिया कि जाति उद्देश्य रे आमे किछ करि परिबा भंज उपेन्द्र भंजंकर आजिका दिन रे जदि किए सबुठारु बड़ वक्ता था विशेषज्ञ था रजत कर जगन्नाथ संस्कृति जे सबुठ बेस अधिक समय जाए उद्घोषणा कर 62 वर्ष है सी हेले रजत कर जे शिक्षा निर्देशक भाव में बहुत किसी कर रजत कर आ जे मोर जेजे सी भी हेले रजत कर ये विभिन्न अनन्य प्रतिभार अधिकारी आम तो भाविपार काली सका आम घर केमती बुलू कहीं आम देखीचु सका पार्टी आम पार्टी आम निद भांगे सका से पार्टी न से निद आमर आमे आम पूरा वंशर छात आज उजुड़गला सबुठ बड़ बर गच आज उजुड़गला याठ अधिक तो किसी कहीपरिनी एति कह जाति जदि स्मरण करने को चाहे तेल सीए जो सब आदर्श रखिदे जाइंटे आदर्श से जाति टी निजर संस्कृति निजर परंपरा प्रति स्वाभिमानी होता ही जातिर प्रति श्रेष्ठ श्रद्धाजलि हम बोले आमर नवेदन जाति को निश्चित भाव निवेदित आप जो प्रतिक्रिया शुणु नाती जो निज अनुभूति बखाणु थे कि निज जाति समर्पित कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जो रही थे ही से अनुप्राणित अच्छा और से सब निज भाषा साहित्य और जो जगन्नाथ संस्कृति से सब समर्पित रही पाखापाखि 60 वर्ष से जो जगन्नाथ संस्कृति को जेपर भाव लोकलोचन को आसपार प्रचार प्रसार हो पार से सर्वदा चेष्टित थे किंतु
जेपरि भाबरे तांकर आजि निहंती भाबरे अभिनय जे कथा आपण कहउथले एवं तांकर नातिंको रिएक्शन नउथले एवं से एकदम भावभीड़ होई पडुथले जो कथा से पखाणुथले जेजेंको सहित तांको स्मृति एवं रजत कर जे कि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति प्रति से एकदम समर्पित थिले तांको समर्पण भावना आज तांकु कालजय करिछि आज तांकर मृत्यु हुए हे जाइछि सत से नाहंती सत किंतु से सबबले प्रतिटि ओडियांको मध्यरे प्रतिटि ओडियांको हृदयरे चिरस्मरणीय हि रहिबे बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय आदित्य नायक आम प्रतिनिधि शासक से घर हस्पिटाल निकटू जहाँ पद्मश्री रजत करों परिवार लोकों प्रतिक्रिया सुनाऊ भीषण बात्यार रूप नेला बात्या अशानी एबे पुरी ठू 880 किलोमीटर दूर से बात्या केन्द्रीभूत हो रही है विशाखापट्टनम ठारु 810 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत घंटा को 14 किलोमीटर बेगरे उत्तर पश्चिम दिगरे बात्या गति करुथिबा आंचलिक पाणिपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि बात्या प्रभाव रे 10 तारीख संध्यारु ओडिसा रो उपकूलवर्ती जिला गुडी करे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रहिछि 10 तारीख संध्या बेलकु 10 रे गजपति अर्थात 10 तारीख संध्या बेलू जो जिला गुड़ी को वार्निंग दिया दिखाई गजपति गंजाम और पूरी में प्रबल वर्षा संभावना रही सेपर 11 गंजाम पूरी खोर्धा कटक विशेषकर 12 पूरी गजपति कटक केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर में प्रबल वर्षा होबार अनुमान करा जाउछि साइक्लोन स्टॉर्म वर्षणी अभी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में इंटेंसिफाइड हुआ है अभी 17:30 आवर्स IST ऑब्जर्वेशन हमारा और इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा जैसा पहले से ही बोला गया था और फिर 10 तारीख नाइट तक इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड तक रहेगा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट का पास पहुँचेगा उसके बाद इसका रिकर्व होने का चांसेस है रिकर्व होकर के मूवमेंट हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का तरफ रहेगा रिकाब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड होगा तो हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगा तो इसका प्रभाव में जो हमारा वार्निंग था 10 से 10 11 12 10 मेनली 10 नाइट से ही इवनिंग से 10 11 12 ये तीन दिन मेनी प्लेसेस में कोस्टल ओडिशा में हल्का से मध्यम बारिश होगा और हेवी रेनफॉल भी वार्निंग जैसा डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया था उसी तरह से है फिशरमैन को डीप सी में जाने के लिए तो मना किया है ऑलरेडी और हमारा कोस्टल एरिया में भी 11-12 में फिशर एरिया में समुद्र जाने के लिए मना किया है तो भीषण बात्यार रूप नहीं सारी अशानी अधिक आलोचना करवा आम प्रतिनिधि कविता स्वाई आम सहित दासक जोड़ी होती कविता बर्तमान ताजा अपडेट कौन पाणीपाग विभाग पक्ष कौन सूचना आसुची कहीं जहाँ आम पाखे सूचना रही बात्या अशानी भीषण बात्यार रूप नहीं सारी तीन दिन वर्षार सूचना रोचे आउ कौन अपडेट आसुची बर्तमान समय देखु निहत भाव में नवेदित जी कह जहाँ आकलन गत कालीपाग विभाग पक्षर जहाँ कहला कि आज सका सुधा बात्यार रूप नेब जो लघुचापटी सदृश लघुचाप रही आज सका सुधा बात्यार रूप नेब संध्या सुधा जहाँ भीषण बात्यार परिणत हो आकलन कर आकलन सठिक रही जदि कह कि बर्तमान जहाँ के दूर से रही पुरी ठारूँ और विशाखापट्टनम ठारूँ रखा चाहिए जहाँ बर्तमान वर्तमान अपडेट आसी पुरी ठारु वर्तमान दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे रही 880 किलोमीटर दूर से बात्या अशानी आ सहित विशाखापट्टनम ठारु दक्षिण पूर्व दिगरे रही 810 किलोमीटर दूर से एथस घंटा प्रति बेग रोचे 14 किलोमीटर बेग को आग को बढ़ुचे एथस जदि कह जो 10 तारीख बेलू उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा उपकूल जहाँ उपकूल दे अतिक्रम कर आकलन रही जदि कह समुद्र मध्य ही रिकर्व कर लैंडफॉल करिबो नाही बोली जहाँ पूर्वर मध्य सूचना दिया जाइथिला आज मध्य ताहा रहिछि एसो जदि कहबा जो वार्निंग वर्षापाई किसी जिला को वार्निंग जारी कर मत्स्यजीवी मानी वार्निंग जारी रही एथस पोर्ट वार्निंग जहाँ दि जाइए पूर्व सूचना अनुसार से सूचना रही जदि कह वर्षा कथा ता 10 तारीख सुधा 10 तारीख संध्या सुधा ता जो किसी जिले में वर्षा हेबो बोली प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं सूचना रही जहाँकि तीनो जिला 10 तारीख में 3 जिला 11 तारीख में
पांचोटी जिला एवं 12 तारीख रे 6टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाय छे। एतेस उपकूल ओडिसार जो 11टी जिला रहुची से सब जिला गुड़ी को विशेष सतर्क रहबा पई पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाय छे। एया सह जदि कहिबा जो मत्स्यजीवी माने रहिछंती सेमानंकु 9 तारीख पूर्वरु जो जो माने समुद्र भितर को जाइछंती सेमानंकु फेरि आसिबा पई सूचना मध्ये दिया जाय छे। एवं जो 4टी बंदर अमर रहिछि ता पई 1 नंबर विपद संकेत वर्तमान पर्यंत मध्ये जारी करा जाय छे। एसो सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जदि जो वार्निंग रहुछि वर्षार कथा कुआ जाउछि से जो वर्षार वार्निंग रहुछि विशेष करी पुरी गंजाम गजपति जगतसिंहपुर कटक खोर्धा एहि सब जिला विशेष भाव में प्रभावित हेबो बोली जा कुआ जाउछि। एसो सरकार को पक्षरु मध्ये विशेष पदक्षेप निया जाउछि किना एसआरसी बैठक करा 6टा बेले जब बैठक डक प्रेसमिट से कही कि गतिपथ उपर नजर रखा जेहेतु स्थलभाग बात्या छुईब ना समुद्र मध्य ही दुर्बल रहिबो तो सेथिपाई समस्ते सजग रही ओड्राफ टीम कथा कहतु कालीठार जो मैंने तलिया अंचल रही विशेषकर पूरी गंजाम एवं जगतसिंहपुर जो तलिया अंचल रही जो लोक मानू कालीठार स्थानातरण बात्या आश्रयस्थल रखा सूचना रही प्रतिनिधि कविता आमको जहाँ सूचना दे विशेषकर तीन दिन वर्षा जारी रहा विशेषकर 10 तारीख में जहाँ वार्निंग दि जाए 10 तारीख में विशेषकर गंजाम गजपति और पुरी में अधिक वर्षा हो परवर्त समय 11 और 12 तारीख में वर्षार संभावना रही। बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वाई आम प्रतिनिधि आमको खबर बाबद सविशेष सूचना दे। आईआईएम नागपुर स्थायी कैंपस लोकार्पण स्थायी कैंपस को लोकार्पण कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य माने जोग देते कार्यक्रम में नियुक्तिदाता हेबापाई छात्र छात्री को राष्ट्रपति कोविंद गुरुमंत्र देते। आईआईएम नागपुर स्थायी कैंपस लोकार्पण स्थायी कैंपस को लोकार्पण कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति केन्द्र शिक्षामंत्री योगदान नियुक्तिदाता हेबापी छात्र छात्री को गुरुमंत्र दे राष्ट्रपति कोविंद आज नागपुर में आईआईएम नूतन कैंपस शुभ उद्घाटन कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी और आईआईएम पदाधिकारी उपस्थित थे। आईआईएम नागपुर छात्र छात्री केवल निजुक्ति अन्वेषण करने नुहे बर निजुक्तिदाता हेबापी से आत्मविश्वास जाग्रत कर राष्ट्रपति मत प्रकाश कर the academic training ground but it will be a life molding experience for the students also. We are living in an era where innovation and entrepreneurship are appreciated and encouraged. The stories of various unicorns or startups which have been slated to be worth more than 1 billion have scripted new history. It has opened new avenues as new sectors are coming under the loop of business enterprises. सेही परे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कार्यक्रम रे जोग देई निज अभिभाषण रखिसंती देश अमृत महोत्सव पालन करथिबा बळे आईआईएम नागपुर रो छात्र छात्री माने किछि दायित्व नै उत्साह रस समाज को किछि देबारो नुआ प्रथा आरंभ करंतु बोली से निज अभिभाषण रे कहिसंती स्थानीय अंचल जनजाति दारिद्र्य सीमारेखा तले लोक प्रेरणार नुआ स्रोत भाव आगे नाकुंद्रमंत्री छात्र छात्री मान को आह्वान देते। एक समय था आजादी के उपरांत हमारी लोगों को विशेष करके नई पीढ़ी को शिक्षा जगत में हम एक ही अपेक्षा रखते हैं ये रोजगार क्षम हो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़े। लेकिन मित्रों 21वीं सदी में आज एक नई परिभाषा की आवश्यक हो रही है जिसमें शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसकी कल्पना की गई है। हमें जॉब सीकर की आवश्यकता अभी नहीं है। जॉब सीकर
कि जमाना गया, अब जॉब प्रोवाइडर की जमाना आया है, एंट्रप्रेन्योरशिप। आज NIIM नागपुर के एक प्रमुख कोर्स है, मैं इसीलिए बधाई देता हूं। मैं अपेक्षा के साथ कह रहा हूं, नागपुर NIIM आने वाले दिनों में जॉब क्रिएटर की कल्पना को लेके आगे जाएगा। NIIM रो कैंपस नागपुर और विदर्भ अंचल रे उद्योग रो विकास और उन्नति मूलक परिवर्तन आनी परिबो बोली कहिसेंती शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। समय सरीच्छे बुलेटिन को एट रखुछू, नमस्कार।